गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू लर्न द थर्ड पार्ट, द लास्ट पार्ट ऑफ एन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर अब्दुल सत्तार खान. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट. आई टुक द बेबी लंगूर टू आवर बैक यार्ड एंड जेंटली लेड हिम ऑन द फ्लोर इन साइड द पोल्ट्री कूप. मैंने बेबी लंगूर को, यानी लंगूर के बच्चे को उठाकर साथ ले गया हमारे बैकयार्ड में और उसे ले जाकर आहिस्ता से फर्श पर लिटा दिया, जहां पर एक पिंजरा था जिसमें हम अक्सर मुर्गियां वगैरह रखा करते, पोल्ट्री का सामान रखा करते. हिज बॉडी वॉज फुल ऑफ डीप बाइट मार्क्स एंड स्क्रैचेस. उसके जिस्म पर बहुत ही गहरे काटने के निशान थे, डीप यानी गहरे, बाइट यानी काटने के, मार्क्स यानी निशान, एंड स्क्रैचेस और वो कुछ नोचने के, खिसोटने के भी निशान थे. ब्लड वॉज ऊजिंग फ्राम सम ऑफ द वूंड्स. खून उसके कुछ जख्मों से रिस रहा था, ऊजिंग रिसना. द बेबी रिमेंड मोशनलेस. और बेबी मोशनलेस रही यानी बेहरकत रही. माई फादर प्रोवाइडेड फर्स्ट एड टू क्लीन द वुंड्स एंड स्टॉप द ब्लीडिंग. मेरे वालिद ने बेबी लंगूर को फर्स्ट एड पहुँचाया और उसके खून को रोकने की कोशिश की. आई वॉज रिलीव टू फाइंड आउट डैट द बेबी वॉज ब्रीदिंग. और मुझे इत्मीनान हुआ जब मैंने ये पाया कि बेबी सांस ले रहा है, से सांस ले रहा था. इवन दो हिज ब्रीथ्स वर शैलो. बावजूद इसके कि उसकी सांसें उखड़ती हुई थी, शैलो उखड़ती हुई सांसें. स्प्लैशेस ऑफ कोल्ड वाटर मेड द बेबी स्टिर. और जैसे ही कुछ छींटे मारे गए, स्प्लैशेस छींटे, ठंडे पानी के छींटे बेबी लंगूर पर मारे गए, तो वो स्टिर यानी कि वो थोड़ा सा हरकत की. एंड आफ्टर अ फ्यू शेकी अटेम्प्ट्स ही सेट अप. और कुछ हल्की हरकतों के बाद वो उठ बैठा. ही वॉज इन स्टेट ऑफ शॉक. और वो बहुत ज़्यादा सदमे में था. एंड स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग लाइक अ लीफ इन द विंड. और वो थर थर काँपने लगा जैसे कि हवा में कोई पत्ता उड़ता है. हिज टू लिटिल ट्विंकलिंग आइज वेल्ड अप विथ टीयर्स एंड ही स्टार्टेड टू सॉब विथ अ मफल्ड क्राई जस्ट लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड वुड आफ्टर एक्सपीरियंसिंग ट्रामा. His two little twinkling eyes, उसकी दो चमकने वाली आँखें welled up with tears, वो गीली हो चुकी थी आंसुओं से. Welled up, गीली हो जाना. Tears, आंसू. And he started to sob, और उसके बाद उसने सिसकियाँ लेना शुरू कर दी. Sob, sobbing. Sobbing यानी सिसकियाँ लेना. With a muffled cry, और अपनी आवाज़ को दबाकर वो रोने की कोशिश करने लगा. Just like a human child, एक इंसानी बच्चे की तरह. वुड आफ्टर एक्सपीरियंसिंग ट्रामा, जैसे कि वो किसी बहुत गहरे सदमे में हो. ट्रामा, सदमा. आई ऑफर्ड हिम अ पील्ड बनाना विच ही एक्सेप्टेड विथ हिज अनस्टेडी हैंड एंड बिगैन टेकिंग हेजिटेंट बाइट्स. मैंने उसे एक पका हुआ केला दिया, बनाना, केला, विच ही एक्सेप्टेड, जिसे उसने कबूल कर लिया. विथ हिज अनस्टेडी हैंड, जो उसका हलता हुआ यानी हरकत करता हुआ हाथ से उसने कबूल किया. एंड बिगेन टेकिंग हेजिटेंट बाइट्स, और वो झिझकते हुए उसे कतरने लगा. बाइट्स यानी यहाँ पर काटना या फिर खाना शुरू करना. माई अटेंशन वॉज फिक्स्ड ऑन द रिवाइवल ऑफ द बेबी लंगूर. और मेरी पूरी तवज्जा उस बेबी लंगूर की रिवाइवल पर, उसके बेहतर होने पर लगी हुई थी. सडनली आई हैड एन अनकैनी फीलिंग ऑफ बीइंग वॉच्ड. अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई हमें देख रहा है. आई टर्न्ड अवे फ्रॉम द कूप एंड लुक्ड अप. और मैं उस पिंजरे से पीछे की तरफ मुड़ा और मैंने देखा ऊपर की तरफ. देयर सैट द मदर लंगूर ऑन आवर किचन रूफ. वहाँ पर मदर लंगूर यानी बेबी लंगूर की माँ बैठी हुई थी बावर्ची खाने की छत पर. वॉचिंग एवरी मूव आई मेड. और वो देख रही थी हर वो हरकत जो मैं वहाँ कर रहा था. शी सिंपली सैट देयर क्वाइटली. वो वहाँ पर खामोशी से बैठी रही एज इफ कन्विंस्ड डैट नो हार्म वॉज बींग डन टू हर चाइल्ड. और शायद वो इस बात से इत्मीनान थी कि उसके बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा.
Meanwhile, इसी दौरान द बेबी सेंस द प्रेजेंस ऑफ हिज मदर. बेबी लंगूर को यानी बंदर के बच्चे को भी ये समझ में आ गया कि उसकी माँ वहाँ पर है एंड स्टार्टेड टू सॉब एंड क्राई अ लिटिल लाउडर. तो उसने सिसकियाँ लेना शुरू किया और थोड़ा ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया. आई रिट्रीटेड फ्राम द डोर ऑफ द कूप. और मैंने पिंजरे के करीब से दूर की तरफ पीछे खिसकना शुरू कर दिया. रिट्रीट के मैंने पीछे खिसकना. टू अलो द मदर एक्सेस टू हर बेबी. ताकि मदर उसकी माँ अपने बच्चे तक पहुँच सके. इमीजिएटली फौरी द मदर डिसेंडेड ऑन द फ्लोर. डिसेंडेड मूव डाउनवर्ड्स यानी उसकी माँ नीचे की तरफ चली आई. इमीजिएटली द मदर डिसेंडेड ऑन द फ्लोर ऑफ द कूप एंड पिक्ड अप द बेबी इन हर आर्म्स. और उसने अपने बच्चे को अपनी बाहों में ले लिया. शी गेव द बेबी अ थोरो बॉडी इंस्पेक्शन टू चेक हिज इंजरीज. और उसने बच्चे का पूरी तरीके से जायज़ा लिया और उसके ज़ख्म देखने लगी. इंजरीज ज़ख्म. एंड देन कडल्ड हिम टाइटली इन हर बॉसम. कडल्ड हेल्ड क्लोजली. और उसके बाद उसने सख्ती से उसे अपने सीने से लगा लिया. द बेबी फाउंड ग्रेट सोलास. सोलास कम्फर्ट एंड पीस. द बेबी फाउंड ग्रेट सोलास इन हर केयरिंग आर्म्स. और बेबी को अपनी माँ की बाहों में बहुत ज़्यादा इत्मीनान महसूस हुआ. द मदर सैट स्टिल विद द बेबी इन हर लैप फॉर अ फ्यू मिनट्स. और मदर वहाँ पर थोड़ी देर बैठी रही और उसकी अपनी मांडी पर उसने बच्चे को ले रखा था और कुछ मिनट वहीं इंतज़ार करती रही. इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ शी वॉज पॉन्डरिंग ओवर हर ऑप्शंस एंड ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ शी कुड कीप द बेबी सेफ फ्रॉम फर्दर असॉल्ट. पॉन्डर थिंक ओवर डीपली यानी किसी बारे में गौर खोज करना या गहराई से सोचना. ऐसा लग रहा था कि इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ शी वॉज पॉन्डरिंग ओवर. पॉन्डरिंग ओवर ये भी एक फ्रेज बनता है कि वो सोच रही थी हर ऑप्शंस के उसके पास कौन से ऑप्शंस हैं. ट्राइंग टू फिगर आउट. टू फिगर आउट ये भी एक फ्रेज़ है. इसे प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कह सकते हैं. वो इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही थी हाउ शी कुड कीप द बेबी सेफ फ्रॉम फर्दर असॉल्ट कि वो अपने बच्चे को आइंदा होने वाले हमले से कैसा बचा सकती है. फॉर अ फ्यू सेकेंड्स द मदर लंगूर लुकड स्ट्रेट इंटू माई आइज. चंद सेकेंड्स पहले ही मदर लंगूर ने यानी उस लंगूर के बच्चे की माँ ने मेरी आँखों में देखा. इवन टुडे आई कैन नॉट फॉरगेट डैट लुक इन हर आइज. आज भी मैं उसकी जो नज़र है उसे जो उसने मेरी आँखों में झांक कर देखी थी नहीं भूल सकता. शोअरिंग साइलेंट ग्रैटिट्यूड ऑन मी फॉर सेविंग हर चाइल्ड. जैसे वो बरसा रही हो एक खामोश एहसान. ए ग्रैटिट्यूड एहसान मंद होना ममनून मशकूर होना. ऑन मी फॉर सेविंग हर चाइल्ड. चूँकि मैंने उसके बच्चे की ज़िंदगी बचाई. आई वॉज ओवरवेल्म बाय द इमोशन. और मैं बहुत ज़्यादा उस जज्बे की वजह से खुश हो गया. द सेंटिमेंट एंड द वे शी सेड थैंक्स टू मी. वो जो जज्बा था और नज़रिया था जिसमें वो मुझे शुक्रिया अदा कर रही थी. दैट सेट अ यूनिवर्सल मदर होल्डिंग अ स्ट्रिकन चाइल्ड इन हर लैप. स्ट्रिकन टू बी हिट हार्ड सफ़र यानी बहुत ज़्यादा मज़लूम. देयर सैट अ यूनिवर्सल मदर. वहाँ पर एक यूनिवर्सल मदर बैठी हुई थी. यूनिवर्सल एग्जिस्टिंग एवरीवेयर और इन्वॉल्विंग एवरीवेयर. हर माँ का जो जज्बा होता है उसे हम यूनिवर्सल थाट कह सकते हैं. देन इन अ फ्लैश शी जम्प्ड विथ हर बेबी क्लिंजिंग टू हर बेली एंड रीच आउट किचन रीच्ड आवर किचन रूफ. और अचानक एक ही लम्हे में शी जम्प्ड विद हर बेबी. उसने अपने बच्चे के साथ एक जस्त लगाई छलांग लगाई. विद हर बेबी क्लिंजिंग टू हर बेली चूँकि उसका बच्चा उसके पेट से चिपका हुआ था. एंड रीच्ड आवर किचन रूफ और हमारे बावर्ची खाने के ऊपर पहुँच गई. शी सर्वेड द एरिया फॉर द विशियस मेल लंगूर. और उसने इस इलाके का सर्वे कर लिया और वो देखने की लगी कि विशियस एविल विकेट यानी बहुत ही ज़्यादा जालिम उस मेल लंगूर को देखने लगी कि वो कहीं खरीब तो नहीं है. एंड देन लीप्ड अवे इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द प्लेस ऑफ द वायलेंट इनकाउंटर. और उसके बाद वो मुखालिफ सिंथ में चल पड़ी जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट इनकाउंटर या मुठभेड़ हुई थी.
द ब्रीफ मीटिंग विद द मदर एंड द बेबी लंगूर कन्विंस्ड मी डैट इंटरस्पीशीज कम्युनिकेशन एंड म्यूचुअल ट्रस्ट इज इंडीड अ रियलिटी एंड शुड एनीवन स्ट्राइक द राइट कॉर्ड द रिलेशनशिप्स ही हम्स इनटू एक्शन। ये छोटा सा जो हमारी मुठभेड़ थी, मुलाकात थी, जो मदर बेबी लंगूर के बीच में हुई थी, उससे मुझे इस बात का पूरी तरीके से एहसास हो गया कि इंटर स्पीशीज़ कम्युनिकेशन, अलग अलग जानदारों के बीच में होने वाले मुकालमात, बातचीत, मवासिलात एंड म्यूचुअल ट्रस्ट और एक दूसरे पर होने वाला भरोसा इज़ इंडीड अ रियलिटी, एक हकीकत है। एंड शुड एनीवन स्ट्राइक द राइट कार्ड, तो किसी को भी एक सही सिमत तय करना है, द रिलेशनशिप हम्स इंटू एक्शन, जो रिश्ता है वो हमेशा बाकी रहता है या ज़िंदा रहता है। हम्स इंटू एक्शन बिकम्स एक्टिव। द मदर लंगूर शोड मी डैट फूड वॉज नॉट द ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन मैन एंड एनिमल बट डैट देयर वर अदर मीन्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ बाउंड थ्रू ट्रस्ट, कंपैशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। मदर लंगूर ने मुझे ये बता दिया, लंगूर के बच्चे की माँ ने मुझे बता दिया कि सिर्फ ग़िज़ा देना यानी खाना देने से ही एक जानवर और इंसान के बीच में बातचीत नहीं होती, बल्कि दूसरे भी रास्ते हैं जिससे हम एक दूसरे से राबता कर सकते हैं, एक जोड़ बना सकते हैं। बॉन्ड थ्रू ट्रस्ट, जो भरोसा, कंपैशन सिंपैथी एंड काइंडनेस, रहम दिली एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और एक दूसरे की समझ। 55 years have passed since that day. I am now 70 years old, but I still fondly remember that encounter of a special kind. 55 बरस गुजर चुके हैं उस दिन को, और अभी मैं 70 साल का हो चुका हूँ, इसके बावजूद मुझे वो भी याद है। I still fondly remember that encounter of a special kind. मुझे आज भी वो मुठभेड़, एक ख़ास किस्म की मुठभेड़ याद रहती है।